अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों पर होंगे, महफूज होंगे। अपने घर में रहिए, महफूज रहिए और अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। तो जी, आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज मैंने सोचा मैं आप सबके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। हर तरफ लॉकडाउन है, मार्केट सब बंद हैं, बाहर के हालात कुछ ठीक नहीं हैं, तो आप सब की तरह मैं भी आज घर पर हूँ और मैंने सोचा कि आज मैं आप सबके साथ रूटीन शेयर करती हूँ। घर में रह के टाइम स्पेंड करना बहुत टफ़ हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करें, लेकिन ये है कि हमें बिज़ी तो रखना है अपने आप को। काइंडली डोंट बी पैनिक, जस्ट यूटिलाइज़ योर टाइम। तो मैंने भी सोचा कि मैं अपना टाइम यूटिलाइज़ करती हूँ और कुछ नया करती हूँ, कुछ ऐसा करती हूँ कि मैं अपने आप को बिज़ी रख सकूँ और आप भी अपने आप को बिज़ी रखें। ज़्यादा पैनिक नहीं लें, ऐसे में जस्ट अल्लाह ताला से प्रे करें कि इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। मुश्किल वक़्त ऑल टाइम नहीं रहता, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और हाइजीन का ख़ास तौर पर ख्याल रखिए। तो जी, आज मैं स्टार्ट कर रही थी कुछ स्टिच करना। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं फ़ारिग हूँ तो कुछ स्टिच करूँ, तो मेरे पास एक घर में ही कपड़ा पड़ा था, बाज़ार तो मैं जा नहीं सकती थी, तो मैंने ये फ्रॉक बनाना स्टिच कर दी है। तो आइए आप सबके साथ मैं ये शेयर करती हूँ। अच्छी लगी है। ओके जी, अब मैं रात का डिनर बनाने लगी हूँ। रात कल मैंने बनाए थे काले चने और सालन थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने सोचा कि उसको यूटिलाइज़ किया जाए, उसको वेस्ट ना करूँ, तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं आज डिनर में राइस बना लेती हूँ। सालन डाल के मैंने राइस बना रही हूँ और साथ साथ मैं रायते की तैयारी कर रही हूँ। घर में ही जो पड़ा था मैं उसी को यूज़ करूँगी, क्योंकि बाहर मार्केट्स बंद हैं, कुछ कुछ मार्केट्स ओपन हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं किया कि मैं बाहर से मंगवाऊँ, तो जो घर में पड़ा था मैं वो ही यूज़ करूँ। तो साथ साथ मैंने प्याज भी कट कर लिया है और रायता तकरीबन मेरा तैयार हो गया है। दूसरी तरफ राइस को बस मैं अब दम लगाने लगी हूँ।
और सलाद भी मैंने रेडी कर लिया है और रायता भी मेरा तैयार हो गया है। ओके जी, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से राइस बन गए हैं। आप लोगों ने मुझे लास्ट में बताना है आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा, और आप सब ने अपनी रूटीन मेरे साथ शेयर करनी है, आपने घर में क्या क्या किया मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलो।